नमस्कार जोहार। लोकसभा के महापर्व की शुरुआत हो गई है और पूरे देश में एक ऐसा माहौल चुनाव का आ गया है कि क्या प्रत्याशी और क्या वोटर सभी एक तरफ से उल्लास और उमंग में है। वहीं प्रशासन भी लोगों को इतना जागरूक कर रहा है कि कम से कम मतदान देने के लिए आप मतदान केंद्र पर आए। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने टीम की घोषणा की है। आज हम BSP के प्रदेश अध्यक्ष राघव मेहता के साथ मुलाकात कर रहे हैं और इनसे जाने हैं कि झारखंड में जो 14 सीट है इसको लेकर के उन्होंने क्या तैयारियां की है और क्या झारखंड की स्थिति है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। चलिए, आपकी चैनल में भी सभी को राजन मेहता की ओर से नमस्कार और प्रणाम। लोकसभा का जो चुनाव का बिगुल जो है फूंका गया है और ऐसे में सभी पार्टियां जो है अपने अपने जो उम्मीदवार हैं खड़ा कर रहे हैं। BSP पार्टी कहा जाता है कि झारखंड में अपना पैर फैला रहा है और बहुत अच्छे ढंग से लोगों के बीच ये अपना मुकाम पाया है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, झारखंड में आप कह रहे हैं कि आप पैर फैला रहे हैं, मेरा कहना है कि मेरा 24 जिला है, 24 जिला में मेरा संगठन खड़ा है। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी 5 सालों से रात दिन लगे हुए हैं और यह पार्टी गरीब गुरबा दबे कुचले SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब स्वर्ण जातों की हितैषी की बात करती है, उसके लिए लड़ाई लड़ती है। इसलिए मुझे यह पूरा विश्वास है कि हमें बहुजन समाज पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे, अपना कीमती पवित्र वोट देंगे। या लोकतंत्र के लोकतंत्र में सारे लोग या जो पर्व है महापर्व है, इस महापर्व में सभी कोई अपना अपना मत का प्रयोग करेंगे। और मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा ना इंडिया ना NDA से कोई लेना देना नहीं है। हम अकेले बहुजन समाज पार्टी, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, उनकी यह ऐलान है कि हम झारखंड के सभी 14 सीटों पर हम लड़ेंगे, सभी सीटों पर हम लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि इंडिया गठबंधन या फिर गठबंधन या NDA इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो ऐसे में उसने अपनी जो उम्मीदवारी है उसकी घोषणा कर दी है, तो BSP इतना देर क्यों कर रहा है? देखिए, हम लोग भी लगे हुए हैं, समय का इंतजार है, एकाध सप्ताह के अंदर में हम लोग भी अपना प्रत्याशी की घोषणा कर देंगे। और हमारे प्रत्याशी जो जान रहे हैं वो मेरा क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोग मजबूती के साथ लगे हुए हैं और हम यहाँ से पैनल बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के पास हम लोग भेजेंगे, बहन जी ओके करके वहां से भेजेंगे, हम घोषणा कर देंगे। तो क्या लोकसभा के 14 सीट पे आपने दावेदारी पेश करने का? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और झारखंड में मुझे उम्मीद और भरोसा है कि हम जरूर ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीतेंगे। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, जिस तरह से कैंपेन करते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, कई बार आपने चुनाव भी लड़ा है, तो इस बार कहां से खड़ा होने की उम्मीद? देखिए, हम तो लोकसभा के प्रत्याशी नहीं हैं, हम विधानसभा जो पलामू में 77 विश्रामपुर मझियाओ विधानसभा क्षेत्र है, हमारी वहीं से तैयारी है, हम विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे। राजन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिहार झारखंड की अगर हम राजनीति की बात करें तो जात पात की राजनीति यहाँ हावी, ऐसे में कुशवाहा की अगर बात करें, कोयरी की बात करें, तो इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है और आज तक न तो इंडिया गठबंधन और न ही NDA ने एक भी उम्मीदवार की घोषणा की है, तो ऐसे में क्या आप कुशवाहा जाति के लोगों को, कोयरी जाति के लोगों को प्राथमिकता देंगे? निश्चित रूप से झारखंड में कुशवाहा की 12.5% लगभग आबादी है, तो उसमें कुशवाहा की भागीदारी मिलनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से कुशवाहा समाज के बेटा को लड़ाएंगे। तो ये थे राजन मेहता, जो कि प्रखर और मुखर हैं और साथ ही साथ क्षेत्र में जो इनकी पकड़ है, ये क्षेत्र आप जाएंगे तो हर बच्चे, हर बूढ़े और हर दलित शोषित के जुबान पे राजन मेहता का नाम है। इन्होंने खुद कहा कि 14 सीट में हम अधिक से अधिक सीट जीतेंगे और एक चीज जो आपको कहने हम लोग जा रहे हैं, इनके माध्यम से कहना है
कि कुशवाहा जाति या कोयरी जाति को जो आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने कहा कि संख्या 12% से अधिक है और इनकी भागीदारी बहुत कम हो रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इनको भी प्राथमिकता देगी। तो आने वाले समय में चुनाव का घोषणा होगा, चुनाव के जो इनके उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा होगा और देखने वाली बात है कि परिणाम जो भी हो, लेकिन दलित और शोषित पार्टी का बीएसपी जो रुझान है और जो उमंग के साथ ये काम करती है, ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा और आप ही के क्षेत्र से, आप ही के बीच से इनके जो उम्मीदवार होंगे वो सदन में बैठेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।